तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप सिग्नल एप्लीकेशन में एक नया पासवर्ड बना सकते हैं। जी दोस्तों, आप बिल्कुल ही सही सुन रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जब आप सिग्नल एप्लीकेशन पे फर्स्ट टाइम साइन अप किए होंगे तो आप दोस्तों आप एक नया पासवर्ड ज़रूर बनाए होंगे। और अगर आप उस पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं दोस्तों तो इजीली आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि किस तरह से आप सिग्नल एप्लीकेशन में जो पासवर्ड बनाए हैं उसे किस तरह से आप चेंज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त बर्बाद किए हुए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। फाइनली दोस्तों हम आ गए हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों हम सिग्नल एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ से हम अपने सिग्नल एप्लीकेशन को ओपन कर लिए हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों दाएं साइड में ऊपर आपको 3 डॉट के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे नीचे यहाँ पर आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सेटिंग्स के ऊपर टैप करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 3rd नंबर पर एक प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं चेंज योर पिन का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको चेंज योर पिन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ऊपर में आप पढ़ सकते हैं कैरेट ए न्यू पिन, यहाँ से दोस्तों आप एक नया पिन को फिल कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए हम एक नया पिन अब यहाँ पर फिल कर देते हैं, कुछ इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हम फिल किए हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट किए हैं, फिर से दोस्तों आपको उसी तरह से दो बार यहाँ पर आपको पिन को वेरीफाई कर लेना है। तो चलिए फिर से हम यहाँ पर डाल दिए हैं पिन, उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका जो नया पिन होगा सिग्नल एप्लीकेशन में वो बन जाएगा। और इसी पिन से दोस्तों जब आप मतलब अपने सिग्नल एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इसी पिन को वहाँ पर आपको फिल करना होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप सिग्नल एप्लीकेशन में एक नया पिन बना सकते हैं, एक नया पासवर्ड बना सकते हैं।